हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सप्ताह हमने अपना व्याकरण का विषय पद परिचय वो पढ़ा है। अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जितना हमने पढ़ा है हमने संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में और क्रिया के बारे में पढ़ लिया है। इन चारों को हम एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं, ठीक है। क्या था हमारा विषय? पद परिचय। बेटा देखो, पद का क्या अर्थ है? परिचय से आप परिचित हो। मान लो मैं बोलूं कि आप अपने परिचय दो तो आप अपने बारे में बताओगे, ठीक है। पद का क्या अर्थ है? पद क्या होते हैं? पद क्या होते हैं बेटा? मान लो आपके पास काफी सारे शब्द हैं, ठीक है। जब तक आप उनको वाक्य में प्रयोग नहीं करोगे वो शब्द रहेंगे, उनका अर्थ भी वो स्वतंत्र रूप से रहेगा, वो अपना अर्थ स्वतंत्र दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर दोगे वो क्या बन जाएंगे बेटा? पद। फिर वो शब्द नहीं रहेंगे, फिर वो क्या बन जाएंगे? वो पद बन जाएंगे, ठीक है। तो पद की परिभाषा क्या रहेगी कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? पद, ठीक है। शब्द अगर आपके पास स्वतंत्र है वो अपना अर्थ देगा अकेला, लेकिन जब आप उसको वाक्य में प्रयोग कर दोगे तो क्या बनेगा? वो क्या कहलाएगा? वो पद कहलाएगा, ठीक है। फिर वो शब्द नहीं रहेगा, वो पद कहलाएगा, ठीक है। सेकंड आता है फिर हमारा, अब पद परिचय क्या है? पद परिचय क्या है? पद का लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। देखो बेटा, कोई भी हमारे पास सेंटेंस होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ संज्ञा ही आ गई, उसमें क्रिया भी आएगी, उसमें सर्वनाम भी आएगा, उसमें विशेषण भी आएगा, ठीक है। तो और जरूरी नहीं है सारे इकट्ठे आए, कुछ ना कुछ एक आएगा, छूटता भी रहेगा। लेकिन जो आपके पास जैसा भी वाक्य है और उसके बारे में आपको ये बोल दिया जाए कि पद, इसका पद परिचय दो, तो उस वाक्य में जितने भी शब्द हैं, जितने भी पद हैं, उन सब के बारे में आप बताओगे कि जैसे मान लो ये उदाहरण है आपके पास कि काला घोड़ा धीरे चलता है, ठीक है, या धीरे धीरे चलता है, ठीक है। काला घोड़ा धीरे धीरे चलता है, तो आप इसमें बताओगे कि काला शब्द क्या क्या है, घोड़ा शब्द में क्या क्या आएगा, धीरे धीरे क्या है, चलता है क्या है, ये सब कुछ बताओगे। आप हर एक शब्द के बारे में बताओगे। अगर आपको दे दिया जाए कि रेखांकित शब्द का पद परिचय दो, तो आप इन दो, मान लो दो को रेखांकित कर दिया, तो इन दोनों शब्दों के बारे में बताओगे फिर कि इन दोनों शब्दों में क्या क्या है ये, ठीक है। तो क्या है? पद का लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताना क्या कहलाता है? पद परिचय। कि वाक्य में जितने भी पद हैं उनका आपस में क्या क्या संबंध है वो सारा जब आप बताओगे तो क्या बनेगा? वो पद परिचय, ठीक है। पद यानी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। और क्या है? पद परिचय यानी पद का लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि पद किसे कहते हैं और पद परिचय किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने व्याकरण के चार विषय पढ़े। देखो सबसे पहले आप क्या पढ़ना सीखते हो? संज्ञा, ठीक है। संज्ञा हमने पढ़ी, सर्वनाम हमने पढ़ा, विशेषण हमने पढ़ा और क्रिया हमने पढ़ी, ठीक है। संज्ञा क्या है बेटा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, ठीक है। अब कोई भी नाम आ गया, कोई भी व्यक्ति आ गया, कोई भी वस्तु आ गया, वस्तु आ गई, ठीक है, या कोई भाव निकल कर आ गया जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं बस, ठीक है, वो क्या होंगे? सारे संज्ञा। अब देखो संज्ञा की परिभाषा हमने पढ़ ली और आप पढ़ते भी आ रहे हो, और जब तक आप अपनी बुक से सारे टॉपिक एक बार दोबारा नहीं पढ़ोगे समझ अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, अनुरोध है कि आप इन चारों को जो जो हम कर रहे हैं उनको अपने बुक से जरूर पढ़ के देखना, ठीक है। अब
संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तीन भेद है संज्ञा के, कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि जो संज्ञा प्रयुक्त हुई है वाक्य में वो क्या है। अब जैसे घोड़ा है, ठीक है, तो क्या कौन सी संज्ञा है वो? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? व्यक्तिवाचक में कैसे पहचानोगे कि व्यक्तिवाचक है? जब आपके सामने कोई भी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का नाम आपके सामने है तो वो किस में आएंगे? सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? आपको पूरे ग्रुप के बारे में पता चलेगा, ठीक है, पूरे समूह के बारे में। जैसे मान लो मैंने बोला नदियां, नदियां तो बहुत सारी नदियां हैं, तो जो नदियां शब्द है यानी नदी शब्द है जो, वो क्या है? पूरी नदी के बारे में बता रहा है। अगर मैं बोलती हूँ खाली गंगा नदी, तो मैंने स्पेशल नाम मेंशन कर दिया कि गंगा नदी। अगर गंगा नदी बोलूंगी तो व्यक्तिवाचक में आएगा, अगर मैं खाली नदी बोलूंगी तो जातिवाचक में आएगा, यानी पूरे ग्रुप के बारे में बताएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से हमें भाव, यानी कौन से भाव? खुशी वाले, दुख वाले, ठीक है, जैसे मिठास है, मिठास, मीठा यानी मिठास, खट्टा, खटास, खटास, मतलब जो हमें क्या है, एक भाव निकले उसमें से, ठीक है, वो स्थिति कैसे भी हो सकती है आपके सामने, तो वो किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, जैसे बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा यानी अवस्था आगे, ठीक है, बुढ़ापा। अब फिर अब देखो, अब संज्ञा के भेद हमने पढ़ लिए, संज्ञा की परिभाषा हमने पढ़ ली, उसके बाद और इसमें क्या क्या पद परिचय हो सकता है? देखो बेटा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनमें कॉमन क्या रहेगा? हर किस, चाहे कोई भी है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, तो इसमें क्या है, जो लिंग वचन वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, कारक, ठीक है, कारक भी क्या रहेंगे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में कारक भी सेम रहेगा। कि आप बताओगे कि जो संज्ञा शब्द आपने प्रयोग किया वो लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुलिंग है, ठीक है। अगर कोई वचन आपने प्रयोग किया, क्या कहोगे? एक वचन है या बहुवचन है, ये इस तरह से बताओगे आप। तीनों ही अवस्थाओं में, चाहे संज्ञा की बता रहे हो, चाहे सर्वनाम की बता रहे हो, चाहे विशेषण की बता रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्रिया में, क्रिया पद अलग रहेगा, काल और वाच्य आ जाएंगे इसमें, क्योंकि क्रिया काम है, हमें पता होना चाहिए काम किस समय पर हुआ है। अब देखो, कर्ता भी सब में कॉमन रहेगा, कर्ता में भी यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करोगे, किसका किसके साथ संबंध है वो बताओगे, ठीक है। जैसे कर्ता की जो विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग, एक ही बात है, या तो आप परसर्ग बोलो या विभक्ति चिन्ह बोलो, ठीक है। कौन कौन से है ये? आठों, कर्ता ने, ठीक है, अगर किसी के साथ ने लगा है तो कौन सा कारक है? वो कर्ता कारक है। अगर किसी शब्द के साथ को लगा है, देखो को यहाँ पे भी आएगा और को यहाँ पे भी आएगा, तो आपको पहचान करनी है। जैसे मान लो मैंने क्या सेंटेंस बोला, कर्म है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, विभक्ति चिन्ह तो क्या आएगा? को, तो यहाँ पर क्या हो गया? जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो जो क्रिया थी हमारे, उसका सीधा फल किसके ऊपर पड़ा? कर्म पर पड़ा, ना कि कर्ता पर। तो यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग ऐसे करोगे, ठीक है। देखोगे सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि इसमें किसने किसका कैसे काम हुआ, यानी कर्म है या संप्रदान कारक है। देखो, अवकरण से यानी जिस साधन के द्वारा हम काम करते हैं, जैसे मैंने बोला माँ ने चाकू से फल काटा, तो काम किसके द्वारा हुआ? किया तो माँ ने है, लेकिन साधन क्या था हमारा? चाकू, ठीक है। संप्रदान के लिए और को भी आ जाता है इसमें, ठीक है, उसके लिए ये किया, उसको ये दिया, यानी इसमें लेने देने वाली बातें आ जाती है। अपादान में क्या होगा? से आएगा, ठीक है, और से किस में था? करण कारक में भी था, लेकिन करण कारक में से का मतलब क्या था? जिस साधन के द्वारा हमने काम किया। और अपादान में क्या होगा? से का मतलब आपको अलग होने का भाव नजर आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर से का भाव किस में आ गया? अलग होने के भाव में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहचान करनी पड़ेगी, और जब तक आप अपनी बुक से नहीं पढ़ोगे बेटा सारे विभक्ति चिन्ह, तब तक आप पद परिचय नहीं दे पाओगे प्रॉपर, ठीक है। संबंध बताओगे का के की, किसका किसके साथ, वाक्य में किसका किसके साथ संबंध है, क्या संबंध है। अधिकरण कारक में क्या आएगा? में, पर,
ठीक है, में पर, जैसे पक्षी पेड़ पर बैठे हैं यानी जगह है, ठीक है। संबोधन में क्या आएगा, हे अरे, कैसे संबोधन किया जा रहा है, कैसे बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है बेटा, कहने की बात ये है कि लिंग, वचन और कारक तीनों में ही संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में कॉमन रहेंगे। चाहे आप संज्ञा पद का पद परिचय दे रहे हो तब भी ये तीनों बताओगे, चाहे सर्वनाम का दे रहे हो तब भी लिंग वचन कारक बताओगे, विशेषण का दे रहे हो तब भी लिंग वचन कारक बताओगे, ठीक है। उसके बाद आता है सर्वनाम। अब मैं बार बार एक ही बात नहीं रिपीट होगी, क्योंकि ये सब में आएगा तो सब में ही बताओगे। सर्वनाम क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम, ठीक है। अब बार बार मान लो मैं गीता के बारे में बता रही हूँ, गीता ये, गीता वो, गीता के माता पिता ये, गीता की दादी ये, गीता ये करती है, गीता वो करती है, गीता उस क्लास में पढ़ती है, गीता की ये अच्छी आदतें हैं, बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करती रहती हूँ मैं, उसकी जगह क्या करूँ, गीता का मतलब नाम एक बार गीता का हमने प्रयोग कर दिया, उसके माता पिता, वह, उसकी दादी, उसके दादा, उसका परिवार, उसकी आदतें, इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग मैं करूँगी तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वनाम। जब संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम किसका, किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द क्या होंगे, सर्वनाम, ठीक है। अब इसके भेदों के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ चुके थे कि कौन कौन से इसके भेद हैं, ठीक है, वो आप एक बार जरूर पढ़ लेना सारे भेदों के बारे में, कि पुरुषवाचक में क्या होगा, निश्चयवाचक में क्या होगा, अनिश्चयवाचक में क्या होगा, प्रश्नवाचक में क्या होगा, संबंधवाचक में क्या होगा और निजवाचक में क्या होगा, ठीक है। पुरुषवाचक में क्या आएगा, तीन चीजें आएंगी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष का प्रयोग कब करेगा, कब करते हैं, वक्ता जब अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वक्ता कौन होता है, बोलने वाला या लिखने वाला कोई भी है, जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए यानी स्वयं के लिए करता है तो वो क्या होता है, उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, हमें, मेरी बात को सुन कौन रहा है, आप, तो सेकंड पर्सन तुम, तुम्हें, तुम्हारा, सेकंड पर्सन कौन हो गया, आप हो गए यानी मध्यम पुरुष। और किस, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मान लो हम सोहन के बारे में बात कर रहे हैं कि सोहन ऐसा है, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो कि हम सोहन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सोहन क्या हो गया हमारा, अन्य पुरुष। तो ऐसे ही सर्वनाम के भेद, निश्चयवाचक में जहाँ पर आपको किसी भी चीज के बारे में निश्चित जानकारी मिलती है, ठीक है, कि बाहर चार बच्चे खेल रहे हैं, या इसमें दोनों आएंगे, निश्चयवाचक भी है, अनिश्चयवाचक भी। अगर मैं बोल दूं दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई तो कोई भी हो सकता है लेकिन हमें आइडिया नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। संबंध में, आपस में संबंध बताया होगा, ठीक है। और निजवाचक में, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, स्वयं के लिए, खुद के लिए, ठीक है, वो क्या होंगे, निज यानी अपना। आप अपनी बुक से पढ़ के देखना एक बार पूरा, ठीक है। उसके बाद विशेषण, विशेषण क्या है, विशेषण में क्या आएगा, क्या होता है विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्या कहोगे, विशेषण कहोगे। विशेषण में भी उसके भेदों के बारे में बताओगे कि गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है और सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है। गुणवाचक में क्या, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के क्या, उस उन शब्दों के या उन व्यक्तियों के, उन वस्तुओं के क्या आ जाएंगे, गुण, दशा, अवस्था, रंग, रूप, आकार, उसका उसका टेस्ट, स्वाद, सब कुछ आ जाएगा गुणवाचक विशेषण में, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण में क्या आएगा, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता यानी उसकी संख्या में बताएंगे, ठीक है, कि ये इतनी चीज है। अब उसमें आपके पास संख्या हो भी सकती है, मान लो मैं बोल देती हूँ मेरे पास चार पेन है, ठीक है, तो चार है, मैं बोल देती हूँ मेरे पास कुछ पेन है, कुछ किस में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। और अगर मैंने डिजिट बता दिया, संख्या बता दी, तो निश्चित संख्यावाचक में। परिमाण में ऐसे ही थर्ड आएगा इसका, परिमाण, परिमाण क्या होता है, माप तोल, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको किसी भी चीज के बारे में माप तोल के बारे में जानकारी होगी, यानी एग्जैक्ट माप आपके पास है तो निश्चित परिमाण, और आपको उसके माप तोल के बारे में नहीं पता तो अनिश्चित परिमाण वाचक, ठीक है। मैं बोलती हूँ एक किलो दूध, यानी एक किलो है,
ठीक है, मैं बोलती हूँ कुछ चीनी, कुछ में कितना हो सकता है, मुट्ठी भर भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ी सी भी हो सकती, थोड़ा सा भी मैं बोल सकती हूँ। अगर आपको उसकी संख्या के बारे में, उसके माप तोल के बारे में नहीं पता तो अनिश्चित, अगर पता है तो निश्चित, ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है बेटा? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आता है और विशेषण का काम करता है वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसे मैं बोल देती हूँ कि यह पुस्तक किसी की भी है, किसी का भी नाम ले लो, ठीक है। तो पुस्तक से पहले क्या आया? यह आया। संज्ञा शब्द से पहले, यानी जो यह शब्द है इस पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि यह उसकी है या यह पुस्तक ऐसी है। तो जो सर्वनाम शब्द, परिभाषा ध्यान से देखो क्या बनेगी, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आते हैं और विशेषण का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ऐसे ही इसकी अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे आप डिग्रियां पढ़ते हो इंग्लिश में, सेम वैसे ही, ठीक है। और जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनके आगे हम तर और तम लगाकर बना देते हैं, जैसे तुम डिग्रियां बनाते हो, सेम जैसे प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, ऐसे सेम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है? जिन शब्दों से आपको किसी काम के होने या करने का बोध होता है वो क्या होती है? क्रिया, ठीक है। अब क्रिया कितनी तरह की होती है? दो तरह की, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वो कौन सी होती है? सकर्मक। और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वो कौन सी होती है? अकर्मक, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्रिया कौन सी है, सकर्मक है या अकर्मक है। उसके बाद काल, काल में क्या आएगा? समय, कि हमारी जो क्रिया हुई, हमारा जो काम हुआ वो किस समय पर हुआ, भूतकाल में हुआ, वर्तमान काल में हुआ या भविष्य काल में होगा, ठीक है। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान यानी चल रहा समय, और क्या है? भविष्य काल यानी आने वाला समय, ठीक है। तो आपको क्रिया का जब पद परिचय दोगे, क्रिया शब्दों का, तो आपको काल भी बताना पड़ेगा, यानी समय के बारे में भी बताना पड़ेगा, और इसमें वाच्य भी बताना पड़ेगा। वाच्य भी आप पढ़ चुके हो। वाच्य क्या होता है? बोलने का विषय। जब आपको ये पता चलता है कि इस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, तो वो क्या कहलाता है? वाच्य, ठीक है। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार है तो खाली कर्तृवाच्य, अगर क्रिया कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य, अगर क्रिया भाव के अनुसार है यानी वो काम उससे हो रहा है या नहीं हो रहा, इस तरह का भाव निकल रहा है तो भाववाच्य, ठीक है। ये आपको बताओगे क्रिया पद का पद परिचय देते हुए, ठीक है। क्या? भेद, काल और वाच्य, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा बेटा इस सप्ताह, इसको हमने दोहरा लिया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पदों का पद परिचय देते हुए आप किन किन बातों को ध्यान में रखोगे, ठीक है। उनकी परिभाषा आपको सबको पता होनी चाहिए, उनके भेदों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके लिंग, वचन, उनके काल, कारक, सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका हमारा अविकारी शब्द रहता है कि जो अविकारी शब्द है हमारे चार, उनका आप पद परिचय कैसे दोगे वो हम अगले सप्ताह करेंगे। इतना पढ़ लेना, नहीं समझ आए फिर मुझसे पूछ लेना बेटा। धन्यवाद। और अपने उत्तर पुस्तिका में इसके नोट्स जरूर बना लेना बेटा, ठीक है।